आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक खुश रहा, सारा काम हो गई। मालिक राम प्रसाद के घर में ना धन बाचल और ना ही केहू भोगे वाला बाचल। साबाश भीमा, आज के जमाना में धन बल से बहुबल आवेला। जी मालिक। केहू दूसरे धन के ताकत से जी पूरे गांव जमार में कोई बहुबली ना बन सके पाई। ये ले भीमा। जी मालिक। तो सब लोग आपस में बांट लो और चुपचाप यहां से निकल जा।
प्रणाम मालिक, खुश रहो। प्रणाम। निकला जल्दी, जल्दी करा। चला चला, जल्दी गाड़ी में बैठा। गांव में इतना बड़ा घटना घट जाता और क्यों के कुछ होने के पता। हाँ, कमाल बा मुखिया जी, रुआ जवाब क्यों नहीं दे। अब रुआ के हम का जवाब दें इंस्पेक्टर साहब? ये गांव में आज तक इस चड्डी गैंग के कोनो भी घटना के बारे में केहू के पता बा? सबका होरलबा दरोगा जी, राम प्रसाद का पूरा परिवार खत्म हो गए। का गुना रही इन लोगन के? का ये हम समझी के पुलिस चड्डी गैंग के सामने हथियार डाल सरेंडर हो गई? रेवा घबराई मत ठाकुर साहब, अभी केस के जांच पड़ताल अब हम खुद करब। रहल बात ये चड्डी गिरोह के काम है या कोई और के, ये बहुत जल्दी हम पता लगा ले। ये पहला कांड ना है दरोगा, हर कांड के बाद पुलिस का यह जवाब होला और बाद में मामला टाई टाई फिश। लेकिन बात ऐसे ही रहल तो हमके बात ऊपर के करे के पड़ी। रो चिंता मत करी ठाकुर साहब, वो कोई भी होके अब कानून के हाथ से नहीं खे बच सकत। अगर यह हाल रहल तो धीरे धीरे सारा गांव खाली हो जाई। कब ले की दहशत में जिंदगी जी और धन सुरक्षित बा न जान। तू चिंता जन कर वीरेंद्र, इस संसार में हर समस्या के समाधान होला। आई मुसीबत से बचावे खातिर भी भगवान केहू ना केहू के जरूर भेजियो। देखा आ गई ले। प्रणाम कुंदन भैया, वो कहा कि पेट्रोल भरा में तनी देर हो गई। कौनो बात ना, एक बात बताओ लगनु, तुहार ब्याह भइल कि ना? अरे कहाँ भैया, हर साल लगन में उम्मीद जागेला ओकरी बा टाइट टाइट फीस। अरे भाई तहार नाम लगनू बा, तहार लगन नहीं होत। एक काम कर जी, ते अपन नाम बदल ले जी, लगनू से तलाकू रख ले। तलाकू? हाँ तलाकू। भैया रहुआ कहीं हमार मजाक तो नहीं उड़ावा? चल पीछे बैठ, गाड़ी में सामान। हाँ चल। तू सही कहला वीरेंद्र, लेकिन हमहू के उसे कम थोड़े बानी। लेकिन एक बात और किशन भैया, लड़की वाला कितना भी बढ़न काहे न होखे, लड़का वाला के सामने शर्त झुका के रखे के पड़ी। मुखिया जी चाय ले। हाँ वीरेंद्र बाबू, बात तो सही कहनी रहुआ, लेकिन चिंता मत करी लोग। वैसे ब्याह में रहुआ दोनों भाई के भी सिर ऊंचा रही। वैसे किशन बाबू भूख लागल बा, कुंदन बाबू कब आ बता रहे? रोजी भैया जयराम जी की। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार भैया। प्रणाम। अरे भैया प्रणाम। चाची नमस्ते। अरे प्रणाम प्रणाम, आ गई ला। नमस्ते भैया। बबुआ लगनू जल्दी से सामान उतारो। वाह, वर्दी में जता तरन। आओ आओ बाबूजी। प्रणाम जी। यात्रा सफर कैसा रहा? एकदम बढ़िया।
मुखिया जी प्रणाम। खुश रहो चाचा। नमस्ते। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। सफर में कोनो परेशानी ना भइल? ना ना। प्रणाम। अब तनी सबसे मिलनी। हां मिल। हां जा जा। तू दोनों छुप जा। हम बुलाइब त आइ जा। ओके ठीक बा। वी आर रेडी। माय नमस्ते। खुश रहो। खुश रही बेटा। ज्यादा आते जिन तारा अम्मा ना तो भैया के भाव बढ़ जाए। भैया अरे पाई लगो भैया। कैसन भी हमार बहन एकदम अच्छा लेकिन तोहर याद बहुत आवत रहे। अब ना आई काहे? अब वो करियावा के आई जो तो ब्याह होता। वो करिया नहीं भैया। अभी से ही हाल बा। अच्छा भैया बीजे और कार्तिक भैया कहाँ बाड़न? कहा कहीं वो दोनों के भी बहुत मन रहे आवे के लेकिन वो लोग के स्पेशल ड्यूटी लग गई। का झूठ मत बोला। कासी झूठ रही। तू तो चुप रहा। अरे अरे सुन ना हम खुद जाके देखेंगे। नहीं की बोला जल्दी करो। विजय भैया स्कार्ट वाला वाला कहूंगा के यहाँ तो क्यों नहीं खे पागल। राधा हम कहानी है ना ओ दोनों के स्पेशल ड्यूटी। हमरे ब्याह से कोनो स्पेशल ड्यूटी ना हो सकेला। उन दोनों के बिना हम ब्याह ना करब। कुंदन बेटा कोनो रास्ता निकाला दगा राधा बिटिया तो अपन फैसला सुना दलस। हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही के पड़ी। राधा के ब्याह जरूरी बा। हेलो विजय भैया कार्तिक भैया हम भी आ गए भैया। राधा हाँ भैया के ना छोड़म रुका हमसे झूठ कर रुका तू कहाँ जा रहा है हमसे बच्चे कहाँ भरे शुरू हो गए तो था। एकर ब्याह भइला के बाद घर आंगन सब सुना हो जाए। जी चाचा जी देखो। अरे लगनू बाजार से सामान लाए छोड़ो एस्टिमेट बानी। अच्छा अरे कुंदन ए कुंदन हाँ वो देख राधा मुर्गा पकड़ दिया ओकर ब्याह बा और उन मुर्गा पकड़ दिया। अरे का माई ब्याह के पहले मुर्गा ना पकड़ा जाला का? अरे बुद्धू हाथ तो टूट गए ना तो हो गए ओकर ब्याह। रोको ओकरा के हम जाएं। हाँ तू जा, जा। इसे सीधा सीधा बोल ना। ए ते छोड़ यार बयाना दिया गई। हाँ भैया ओकरा के बयाना दे दल बनी हम तनी नीचे आवन आवत तनी। थैंक यू भैया ऐसे हम हूँ पकड़ लेती। हाँ ठीक बा शेरू बचपन से कर जान बा। हमरा के माफ कर दे शेरू ताके बहुत परेशान करनी ना तू आज हमरा के दौड़ा देला। कल से हम तक के ना परेशान करब काहे से कि ई घर से हम जात आनी शेरू। ए राधा सुन हमनी के तोरा खाती गिफ्ट लाइल बनी जा चला जा। अरे हाँ हम तो बुला गए रहनी। बाय शेरू चला चला चला। और तनी मंगरू ठाकुर के बुला ले तनी जल्दी। दिखाओ भैया। ये देख ये विजय भैया के तरफ से। वाह कार्तिक भैया के तरफ से। अरे वाह और ये हमारा तरफ से। हाँ पसंद ना आइल का तोरा? का भइल राधा? हम ब्याह ना करब भैया तोहनी लोग से दूर ना जाए। अरे पागल ऐसे ना कहल जाला। कोनो भी भाई अपने बहन के कोनो माई बाप अपने औलाद के दूर कल चाहेला ना लेकिन ये दुनिया के रीत है। लेकिन ये भावे के तबड़बे करी ऐसा रीत कहाँ है बनल भैया? ऐसे की दुनिया में औरत से ज्यादा शक्तिशाली केहू ना होला। ये औरत के ही बस में बाकी हूँ एक साथ दो परिवार ससुरार और मैं के संभाले ले। अभी आंसू बचा के रख विदाई खातिर। हाँ ये बताओ गिफ्ट कैसा लागल? बहुत अच्छा और प्यारा भैया लेकिन। लेकिन का अब कुछ और चाहिए तो बोल। भाभी हाँ भैया हमरे गैला के बाद माँ अकेले हो जाएं घर सुना हो जाए यही बदे। अच्छा ठीक बा पहले तोर अच्छे से विदाई तो कर दी। हाँ हमार प्यारी बहनी
वीरेंद्र। हाँ भैया। साटा बयाना सब तो तारा मालूम है बा, उस सारा इंतजाम देख लियो। जी भैया। कुंदन। हाँ बाबूजी। बेटा, बारात के स्वागत, द्वार पूजा और खान पान के इंतजाम खातिर कुछ आदमी चाहिए, भरोसा आला। आप चिंता मत करी, हमनी के सब देख ले जा। उहो फौजी तरीका से हर काम फटाफट और सॉलिड। एक फौजी दस के बराबर होला चाचा जी। बस बस, अब ज्यादा होता, फटाफट अपन काम करो सर। आओ जा। हाँ तो किशन बाबू, ये लोग के देख के लगवे ना करला कि रुआ एक गो बेटा बा, तीनों बेटे लगे। एकदम ठीक कहनी मुखिया जी। अच्छा सुनो ना वीरेंद्र। हाँ भैया। उम इसका टोला खेतवा तनी कोड़वा दियो, ठीक बा। जी भैया। ताकि बारात वरात के झंझट बा, उमे कहीं खेतवा बाकी न रह जाए, ठीक बा। ये देख तमाई। हाँ, बहुत सुंदर बाबूजी। सब हो गई बा, और बारात के स्वागत के भी सारा इंतजाम हो गई बा। बहुत अच्छा बेटा। बाकी रहल राधा के गाना वगैरह, तो वो सब हो गई बा। वीरेंद्र जी भैया, सब गाना संभाल कर रख दो। हाँ भैया। हाँ, आप सब जनी जल्दी से खाना खा के सो जा, सबेरे बहुत काम बा, ठीक बा। ठीक बा माई। बहुत ही बहादुरी और जिम्मेदारी के काम के लिए बनी जा। गांव के हर एक नागरिक यही तरह अपन कर्तव्य समझ के अपन जिम्मेदारी निभाई, अपराधी अपराध करे से पहले हजार बार सोची। जी हमनी के काम ना होता रोगा जी, एकर असली हीरो है वो फौजी जवन बॉर्डर पर रह के पूरा देश का रक्षा करेला, और आज ये गाँव में रह के पूरा गाँव वाला का रक्षा की लेबा। अरे भाई, हम तो जाने वो दिलेर फौजी है कौन, जो पुलिस से भी बड़ा काम कैला सा। हम है ठाकुर साहब। कुंदन। वो हमार बेटा ठाकुर साहब। वाह किशन सिंह वाह, शाबाश कुंदन। जवन काम पुलिस इतने साल में नहीं कर सकेला, आज तू एक रात में कर देला। ऐसा नहीं है ठाकुर साहब, पुलिस से पहले हर आदमी अपने घर परिवार और समाज के रक्षक होला। यह हक सबके बा कि अगर के होकरे घर परिवार पर बुरा नजर रखे तो ओकर आंख निकाल ले। मिस्टर कुंदन, तारे कर्तव्य खातिर हमार सैल्यूट करे के दिल करे था। के बर्तन सब इन्हें रखा, सब साफ करा। चलो, अरे बारात आवे वाला था। अरे वो कुर्सिया कितनी होने लगा हुआ। हाँ हुआ, एक एक रखा। हाँ, जल्दी संभाल लेके आओ, सजावट चल फुल। अरे संभाल के लगनू, संभाल के चल चल रख। सूर्या उन्हें रखा, जल्दी करा। अरे वो लेके चल कुंदन। हाँ बाबूजी, कुंदन आओ। तनी कुर्सी ठीक से रखो।
और तन दूल्हा के चाचा जी को फोन करके पूछो कहां ले बरातो पहुंचो। हां हां ए हां भैया अरे वो हजाम को फोन कइला। हां चाचा भैया फोन कइली। हां वो होते बरात कहां ले पहुंचा का बाद में 1200 बराती के खाए के इंतजाम हो गए। जल्दी आ जाइए बहुत बराती 1200 बराती आते हैं जाके खाना वाला के बैठ। जी भैया सुना। हां बेटा सब हो गए खाना के तैयारी ना। एकदम ठीक होल बा कानो चिंता करे की जरूरत ना बा बारात ले के टाइम हो गए बा। तनी हम अहू के बोले दे बा चाचा ए हजाम को बुलाऊ बे बाइक से उठा के लाओ। जमुनावा में जैसे की पनिया वैसे की तोहरो सुहाग हो। अरे गावा सॉन्ग गाना। जमुनावा में जैसे की पनिया वैसे की तोहरो सुहाग हो। अरे चले के चले के देर होता तोर पूजा लगल बा। तनी सुन ला तनी सुन ला तनी सुन ला बराती साले तब जाई हा। तनी सुन ला तोहर अखिया पा सुखल अनार जाई सन तोहर मुछिया फाकत हा के पार जाई सन। तनी सुन ला तोहर बहिना त रखली दस दस गो यार। तनी सुन ला बिना उड़नी के घूमली पर हज बाजार। तनी सुन ला चिरैया आंगनैया रोवे हो।
हमरे बहन के हमेशा खुश रखी। सबके राधा के याद आवत बा। उदास मत हो कुंदन, यह दुआ करे कि वो बस अपना ससुराल में खुश रहे। हाँ कुंदन, संभाला अपना आपके। हाँ कुंदन, राधा के गईला के बाद ये घर के रौनक चल गए। बाकी बेटा बेटी पराया धन हो खेले, जौन बचपन से घर के रौनक हो खेले ना, वो बड़ा हो करके दूसरा के घर के शोभा बन जाले। चला तुहर बाबू जी बुलावता रहे, चला। आज बियाह के बारे में कुंदन से पूछ ले। लहाई गेलन। ओ अच्छा। जी बाबूजी। बेटा तारा से कुछ जरूरी बात करे के बा। जी। देखा ना तार बहिन जब से ही घर से विदा होके गई बिया, घर का रौनक चल गई बा, पूरा घर वीरान लगा था। बिहान परसों तू हो बॉर्डर पर चल जाइबा, तो तार चाचा चाची या हमने के मिल के विचार कहनी है जा कि तार बियाह के बाद चलाओ जाओ। इतना जल्दी हम ब्याह ना कर बाबूजी। कुंदन, अरे अरे बेटा बात तो सुना। कुंदन, तनी समझाई इनके। देख लू कितना जिद्दी बा, तनी जाके समझाओ। बेटा विजय। जी चाची। बेटा कार्तिक। जी। कुंदन तू लोगन के बहुत बढ़िया दोस्त बा। बेटा उकरा के शादी कर दिन मनावा, कैसे भी करके उकरा के राजी करा। ठीक बा। ठीक बा। ठीक। एका कुंदन, पापा के बात के बुरा मान गए लखा, उनके फर्ज बा समझावल। आज ना तो कल शादी करबा ना, करबा कि ना करबा? हाँ भाई करबा कि ना। हाँ अगर ही पायल वाली मिल जाए तो हम अब भी शादी खातिर तैयार बानी। पक्का? हाँ पक्का, सच्चा पक्का ना, जो पापा के भी बोल दिए। चला कर दे। बेटी के विदाई के बाद सोचनी है कि बबुआ ब्याह कर लेतन तो बहू के रूप में घर में बेटी आ जाए, घर में रौनक आ जाए। लेकिन इनका के केस समझाओ। ले का कहे भैया, कुछ समझ में नहीं आता। तनी तोनिये के समझाओ। लेकिन खुशखबरी बा, खुशखबरी हम सबने के खातिर। खुशखबरी? अरे चाचा जी पहले मुंह तो मीठा करी। अरे लेकिन पहले बताइबा कौन बात। चाचा जी पहले खाई तो। अरे खुल के बताई कौन बात को खुशखबरी बा। कुंदन महाराज ब्याह खातिर तैयार हो गए बारन। हाँ चाचा जी। हाँ रहो बैठल का बानी। अरविंद भाई साहब के फोन लगाई ना, बोली ना जल्दी से तैयारी करे। ओकर जरूरत नहीं है चाची। कुंदन अपना खातिर लड़की पसंद कर ले बा। जी बस पता चलते ही बता दे। ई लोग का बोले तारन, हमरा के कुछ समझ में नहीं आवत। अरे खोल के बताई बाबा। रहुआ लोग हमने के दो दिन दे दे। दो दिन? सब समझ में आ जाए। कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक बा, हम देनी तो नहीं के दो दिन में मना लूं का के। बहुत है बात चाचा जी। चला, चला, चला हमने के चल के ढूंढल जाओ। हाँ चला। मालिक मालिक, लगन हमार नाम है। लगन कुंदन भैया के होता है। हमार ब्याह कभी मालिक जा तू कर लो। कर ले ठीक बा मालिक, लेकिन लेकिन की केकरा से करी मालिक, केकरा से? पहले कप लेके जा, काम कर अपन। गधा कहीं के। हमरा तो ये दोनों बेटवन के बात समझे नहीं। Oh,
देख, हाँ वो देख, एक पायल वाली लड़की हाँ। मिल गई, चल चल चला। चल चल उगाईली हाँ चला। संस्कार बा भाभी हो तो ऐसा हाँ बिल्कुल के होखे वाली भाभी के ई घर बा अब पकल जाई भाभी मिशन पूरा हो गई हाँ। तो फटाक से जा हाँ। कुंदन के बुला के लेके हाँ। तवले हाँ। हम भाभी के पहरादारी करत हाँ ठीक बा हाँ। कुंदन के भरोसा भी ना होई कि हमनी के इतना जल्दी मिशन भाभी पूरा कर लेनी कुंदन कुंदन बाहर आवा हाँ। जरूरी बात बा का बात है भाभी मिशन कंप्लीट सही हाँ, हाँ? चला चल चल जल्दी चल का भागम दौड़ी चलता है कि नहीं ये लोग कहां भागत है अरे आ बाबा हाँ? केले बाड़ी वहा कमरा के भीतर हाँ? बाड़ी हम गुंदन जा और अपन नई जिंदगी की शुरुआत कर ओहो जय हो सही कहल गई बा भगवान के घर में देर बा लेकिन अंधेर नहीं के जा 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 वाह मजा आ गई गुंदन के टेंशन खत्म अरे हमारे राजा जे दिनवा से तो कहीं आई बड़ा ते दिनवा आवाज किसे ना होता तोरा पे अगर पहली मुलाकात है मैं तूफानी बा हम को बोल खा के आदत नहीं के उन्ना को मुसीबत में तो लिखे अरे का भाई का भाई भाभी भाभी अरे तो के हां हां अरे राजा हे सुनो ना छोड़ अरे अरे छोड़ कन्हैया भैया अच्छा खासा मूड बनल रहल ऊपर पानी फेर के चल गेल देख ले अब लगनु के बिया हो के रही का कमर बा ऐसे ज्यादा अब हम ना ढूंढ एक बार थप्पड़ पड़ गई बा अब और ना कार्तिक हर लड़की वो ना हो सकेले उफ फिर से मिशन फेल तो कैसन भी यार बोल ना यार फिर से पायल वो अब का बताएं उगर होटता ऐसन बा जैसे गुलाब के पंखुड़ी आपस में बतियात होके आंख ऐसन जैसे कोनो शांत झील में चांद उतर आइल होके उगर बाल जैसे सावन में लहरात काली कटा
सारी सारी रतिया मन करे करे तोसे सारी 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 मन करे करे तोसे सारी सारी रतिया बतिया हो तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तोहरी सुरतिया तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तोहरी सुरतिया तोहरा के देखला के बाद जननी कैसन प्यार होला प्यार होला प्यार होला तोहरा के देखला के बाद जननी कैसन प्यार होला गजबे उमंग आवे देहिया में जब दीदार होला मीठा मीठा कहरब बड़ुए दरदिया छतिया हो तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तोहरी सुरतिया तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तोहरी सुरतिया तल त दूर देखी जगले में तोहर सपना सुतल त दूर देखी जगले में तोहर सपना बन गई बाड़ू हमार दिलावा के कलापना दूर दले बन लेबे मही कर बटिया खटिया हो तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तोहरी सुरतिया तीन दिन से मरा ले बमतिया हो तोहरी सुरतिया। वाह, इतना ध्यान से अगर हमनी के कोना लड़की के देखल जाई तो जूता ही मिली, वो भी अलग अलग नंबर के, और वह तोहर थप्पड़ से कड़क। मतलब हमार बटालियन फेल? नहीं, पर अब तारा के खुद ही चले के पड़ी। कहाँ? वही जा जहाँ गांव के हर एक लड़की दिन में एक बार जरूर आवेले। मंदिर चल। चला हमके लगा था वो कौनो और गांव के लड़की रहे। चला भगवाने के हाथ में बा। जा कुंदन, भगवान की शरण में जा। अगर वो चाहियन तो सावन की घटा ऐसा लहराई कि गुलाब की पंखड़ी की तरह चांद सीधा जमीन पर उतर कर आई। हे प्रभु, आरती ला बेटी। जी। बेटी सब दिन एक जैसा ना होखेला। भगवान अपन भक्त के पुकार जरूर सुनेलन, पर तू भगवान पर अपन भरोसा और अपन आत्मविश्वास पे कभी कमी ना होके दिया बेटी। भगवान कभो ना कभो कौनो रूप में तोर सहायता के लिए जरूर आ जाइए। जी पंडित जी। हमके आपसे कुछ जरूरी बात करेंगे बा। अब हमके गलत मत समझा, हमार नाम कुंदन है, इंडियन आर्मी में बानी और किशन सिंह के लड़का आई। तो के हवा का करेला, उसे हमरा के का मतलब?
कहा कि हम तोहके अपने बहन के ब्याह में देखले रानी। जब से तोहके देखनी तब से तोहरे बारे में सोचता नहीं। सोते जगते समय तोहरे चेहरा सामने आवत रहा था, तब से तोहके बहुत खोजनी। आज बहुत मुश्किल से तोहके बोले बानी। काहे? हमके तो से प्यार हो गइल बा और बियाह करे के चाहता नहीं। बियाह? हाँ बियाह। पागल हो गइल बाड़ा का? तू का जानेला ला हमरा बारे में? कुछ ना, और जाने की जरूरत भी नहीं की। जरूरत बा, पहले जाके पता करा हमरा बारे में। पता करा समर सिंह की बेटी नंदनी के बारे में। नंदनी के है ओकर अतीत का है, और ये सब जनला के बाद भी जोन कॉन्फिडेंस से हमरा से बियाह करे आयल बाड़ा। अगर उहे कॉन्फिडेंस आके हमरा से बियाह के बात करबा तो हम तोहरा से बियाह करब। कहला तो समर सिंह की बेटी नंदनी से? हाँ माई नंदनी, का कमी बा ओकरा में? कमी? उ ऐसन ग्रहण बा जेकर साया भी केहू के जिंदगी बर्बाद कर देला। ऐसन का खराबी बा ओकरा में? हम काहे ना उसे बियाह कर सकेनी। खबरदार, जो दोबारा ओकर नाम भी ले लता तो कुछ ना खजाना। लेकिन हम जाने के चाहता नहीं। कुंदन, हम बताता नहीं। ना वीरेंद्र, तो कुछ ना बताएगा। लेकिन पापा। कुंदन बेटा, तू भी यहाँ करके ना चाहता लनु? तो ठीक बा, हमरा मंजूर बा। वीरेंद्र, इनकर जाए के व्यवस्था कराओ। जी भैया। का? समझ में नहीं क्या होती सब का होता। हर केहू नंदनी के नाम लेवे से मना करा था, और केहू बताओ भी नहीं के। देखा बेटा, जोन बात ना हो सकेला ना, ओकरा बारे में बात करके कोनो फायदा नहीं के। तू ओकरा के भूल जा। दीदी, खुश जी, रहुआ हमरा के बहुत सुंदर लागे नी, एकदम चांद के जैसन। साचो मुचो, अब का बताई हम खुश जी। हम जब जब रहुआ के देखे नी तो हमरा के आवे लागे ला हिचकी। सच में मुचो के कहना कि हम रहुआ खाते बड़ा मन से पूड़ी आप भुजिया बनाई ले बानी। रहुआ खाए अपना। कैसन बा? बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर बाड़ पेट भर गई लो। आवा, तू पहले अपन हित की संभालो, बाकी हम सब संभाल ले। अब जा यहाँ से, जा। कुंदन, प्यार में बहुत ताकत होला, तो हिम्मत मत हारिया। देखा कुंदन, कोनो ना कोनो बात जरूर है, वो भी इतना गंभीर। कोई भी बारे में बात नहीं कल चाहत, घर वाला बेवजन ऐसा बात ना कहियन। वो वजह ही तो हम जानल चाहता नहीं, आखिर बात का बा? वो कोनो पहली ना ही है कुंदन, ना कोनो ग्रहण। अरे ग्रहण तो वो बिचारी की अपना जिंदगी में लाग गई ला।
समझला कि नंदिनी एक ताजा हवा के झोंका रहे। पूरा गांव वालन के चहेती, सबके लाडली, एकदम चंचल स्वभाव के। बहुत अच्छा नाचेलू नंदिनी, तू बहुत खूबसूरत बालू नंदिनी।
हमले से तो टाडी होई नंदनी, टाडी होई नन्ने रंजीत वेट्स नंदनी अच्छा बना अच्छा छोड़ बना। छोड़ हमरा हाथ छोड़ दे हमार शादी तोरे से होई चल हट तुहार हिम्मत कैसे भईली बात कह के घर में जाके पहले शीशा में अपन चेहरा देखा चेहरा चेहरा दादा भईल चेहरा कुछ नहीं सुना भैया चेहरा ना शक्ल ना अकल आधा पागल से हम शादी कर हम पागल नहीं हम पागल नहीं हम पागल नहीं नंदिनी हम पागल नहीं नंदिनी हम पागल नहीं हम पागल नहीं भैया भैया हम पागल नहीं हम पागल नहीं नंदिनी चले जैसे भैया मेरे पागल भैया पागल नहीं यार रघु पागल नहीं की भैया ही लेके मार दिया भैया तो नाम की पागल नहीं हम पागल नहीं वो पागल नहीं हम पागल नहीं हमार भैया तोरे सोई नंदिनी हमाल भी आए तोरे जोई नन्ने हमाल भी आए तोरे जोई नन्ने आ हम पागल ना ही नन्ने आ आ हम पागल ना ही हमाल भी आए तोरे जोई नन्ने हमाल भी आए तोरे जोई नन्ने अरे हम ना किये नन्ने के बिना हम ही लल्ला हमाल किये नन्ने के बिना आ गई हम पागल नहीं बा हम पागल नहीं बा हम पागल नहीं बा आ ही लल्ला के हम पागल नहीं बा हम पागल लिखे हाँ लल्ला हाँ हाँ उधर जी भैया आज कौन सा तूफान आ गई भैया भैया जेकर असर हमरे हवेली के अंदर तक आ गई भैया भैया आज तो ओ लल्ला के बेइज्जती भइल बा भैया बेइज्जती भइल बा हां भैया हमार लल्ला के बेइज्जती भइल बा हां ना भाई ना भाई हां हो गई लल्ला का लल्ला भैया वो हमार जान है भैया भैया हमार शादी अपना से काल आ बहुत बढ़िया मैंने लल्ला चाय ली भैया बोल लल्ला का भइल लल्ला के बोल लल्ला का भइल लल्ला भैया बोल लल्ला शांत हो जा लल्ला शांत हो जा ना लल्ला तोरा के मालूम बा ना तोरे आग का आहरा सु हमरे आग के शोला बन जाला और उसमें ना जाने कितने लोग जल के राख हो जाला तू चुप हो जा तू चुप हो जा चुप हो जा लल्ला चुप हो जा नेवला जी भैया हमरे लल्ला के आंख में आंसू लावे के कारण क्या है भैया आज एक प्रोग्राम एको लेगी भैया की बेइज्जती के लेस कौन है वो लड़की चौधरी समर सिंह की लड़की नंदिनी वो बहुत खूबसूरत बा भैया वो हमार जान बा भैया अच्छा हमार ओकरा से ब्याह करा दे भैया हमार ओकरा से ब्याह करा दे भैया इतना बहुत है खुशी का बात बा हमरे लल्ला के भगवान के कृपा से कोनो लेकी पसंद आ गई लल्ला भैया भैया हम जी रहुआ ब्याह की तैयारी करी नेवला जी भैया सगुन की तैयारी करा कल सवेरे ही समर सिंह के यहाँ हमार लल्ला के सगुन लेके चले के पड़ी जी भैया सगुन भैया हमार शादी तो लल्ला का ब्याह हुई वाह भैया हाँ लल्ला हाँ लल्ला हम दुल्हा बने भैया भैया हमार शादी हुई ना भैया हाँ लल्ला हाँ हाँ शादी हुई दिल वाले दुल्हनिया ले आएंगे दिल वाले जल्दी कुछ खबरी लाई हाँ कावेरी हमार लल्ला का सगुन देके आवता नहीं अच्छा भाई हमनी के तोरे नैहरे आ गए ले जा ये घर है अच्छा चला अंदर चला भैया भैया आ गए इंजन नंदिनी के घर हाँ लल्ला नमस्कार समर सिंह नमस्कार ठाकुर देवराज हाँ समर सिंह देवराज खुद चल के तोरे यहाँ एलबा बहुत खुश नसीब बड़ा तू कौनो कौनो खास वजह से बिना खास वजह से हम कहीं नहीं जाएला ये बात पूरा गांव जवार जानेला समर सिंह आज तोरे खातिर एक
बहुत बड़ी खुशखबरी बा। हम तोहरा के समधी बनावे आयल बानी। समधी? हाँ समधी। असल में हमार लल्ला तोहार बेटी के पसंद कर ले लबा। बस ये सुनते ही हम सागुन लेकर आ गए बानी। चला सागुन का थाली तर रखा। हाँ बबुआ। हाँ बबुआ। हाँ समर सिंह, आप जल्दी से पंडित से ब्याह की तारीख निकाल के तू लोग शादी की तैयारी करा। ये ब्याह ना हो सकेला देवराज सिंह। हाँ? हम अपनी बेटी की ब्याह तय कर चुकल बानी। क्या फर्क पड़ेगा समर सिंह, जब उन लोगन को हमरे बारे में पता चली वो खुद ही भाग जाए। ना ना हो सकेला, ना हो सकेला। देवराज के ना पसंद नहीं है समर सिंह, हम तो आर नसीब बनावे अलमानी। ऐसा कुछ मत करिए कि बनल बनावल नसीब बदनसीब में बदल जाए। समझ लो हमार लल्ला जौन हमार जान बा, जौन तुहार बेटी के पसंद कर ले बा। सगुन छोड़ के जाता नहीं, जल्दी बारात लेकर आई जल्दी। चल लल्ला। नंदनी कौनो तोहर जागीर नहीं खे, हम अपना मर्जी के मालिक खुद बानी। भैया ये नंदनी है। जवाब तो सुन लेनी ना ठाकुर साहब। पूरे गांव जवार में देवराज के जवाब देवे के केहू के औकात नहीं करेगी। और पूरा दुनिया में हमार दिल के मालिक हमरे अलावा केहू नहीं खे। और हमका तहत पागल भाई पसंद नहीं खे। ये लगी आपन जबान पे लगाम दे, ये तो हम अपने लल्ला के प्यार के खातिर यहाँ चली आई नहीं। वरना वरना हमनी के घर पे आली इंसान के धक्का मार के ना भगाईला। वरना वरना आज ना भैया, हाँ ना भैया, ना भैया ना, ना भैया ना, ना ये मत जान भैया, हमें घर से प्यार कर ला भैया। छोड़ भैया, भैया भैया नन्ही अमल जान है। अच्छा अल्लाह, अच्छा अल्लाह, ये लड़की तो हम प्यार के काबिल नहीं थे, छोड़ के आके हम मार दे मैं। अरे भैया, 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 लल्ला, नन्ही अमल जान भैया, अपने सुकून के सवाल, ये खाली पागल ना, बहुत बड़ा, लेके जा, भैया, जल्दी कर, जा, जा निकल, बेटे शांत हो, शांत हो जा बेटे। Thank you.
लल्ला, जोन लड़की तोहार नहीं भई, वो अब केहू के नहीं हुई, केहू के नहीं। भले ही तोहरे जीते जी वो तोहार सुहागन नहीं बनल, तोहरे मरने के बाद अब वो जिंदगी भर तोहार विधवा बनकर रही। विधवा, विधवा, विधवा। ही तोहार अच्छे और भयानक भविष्य के कहानी लिखी। हमरा लल्ला जकरे वजह से ये दुनिया छोड़कर चल गई, उन सबको हम कैसे छोड़ सकेली? अपनी आंख से देख ले एक भूल का अंजाम। देवराज, हम तोरा के ना छोड़ब देवराज। लेकिन हम तोरा के छोड़ब। वैसे दिल तो कर रहा था कि तोरे के अपने लल्ला के पास भेज दई, लल्ला के पास। लेकिन ना, तू हमार लल्ला के अमानत है। जीते जी होकर ना भेजी, मरने के बाद ही सही। तू होकर विधवा बनकर जीवी। सुन ले गांव के लोगन, ये भी एक मदद करी। ऊकर पूरा खानदान के यही असर हुई। समझ ली? दीदी, समझ ला गांव वालों? दीदी, छोड़ा फिर, छोड़ा, छोड़ा, छोड़ा। सुन लड़की, सुन। तू गांव छोड़ के भाग न सके, एके हम तोर भाई के साथ लेके जाता नहीं। देख रहे कि तू जान से ज्यादा प्यार कर ली, समझ ली गांव वालों? समझ ले सब? अब पता चल गया हमार कहानी। कहीं सब चलने के बाद भी तू हमरा से ब्याह के हिम्मत कर पा। देख लेनी ना पंडित जी,
देवराज जोन हमार दुर्भाग्य के कहानी लिख देले बा, ओकरा के भगवान भी ना बदल सकेलन। ऐसन कोनो बात नहीं के बेटी, भगवान पर भरोसा रखा, भगवान बहुत जल्द तोर सारा मनोकामना पूरा करिए, इला प्रसाद ला। प्रणाम पंडित जी। यात्रा देवराज ऐसन हमरे दुर्भाग्य की कहानी लिख देलस कि ओकरा डर से पूरा गांव वाला ना ही बात करेला और ना ही नजर मिलावेला। अकेली विधवा के जिंदगी जीते जीते थक गईल बानी। हमार कुवर देवराज के कब्जा में ना रही तो हम अपन जान दे देती। बस लग दो, बस बस। सब चीजें एक चम्मच रखा मैं। बस माई। हाँ, हम काल ना जाए। काहे का भाई? कुछ ना, दो दिन बाद होली बा, दो दिन बाद चल जाए। लेकिन तू तो बेटा। आओ बेटा खाना खा ला। अभी ना खाए। पता ना एकरा मन में का चलाता। खुशी लगनू खुशी। अब बस करा। हाय देखा, हम तहरा खाते बहुत जतन से खीर बना के ले आई है। ला खाई। तोहरा कितना चिंता रहेला लगनू हमरा खातिर। ई गांव के सबसे अच्छा आदमी तू ही लगेला हमरा। कौन है रे? कौन है? अपनी अपनी लुगाइयों, चाचा और चचाओं, अपने अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर आ जाएं और फगुआ का आनंद उठाएं। आप सभी को कुर्ता फाड़ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे तनी सूर में बजावा यार। सारा रा 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 होली जे ना खुल के खेली खोल के सुन लक कान। अरे होली जे ना खुल के खेली खोल के सुन लक कान। आप बिना टिकट के भेजल जाई यो के पाकिस्तान। बोलो सारा रा 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 रा। बोल चुकी रा सारा रा रा। भगवा के दिन होबे कदय हज फेरी। भगवा के दिन होबे कदय हज फेरी। चोलिया में अपना रंग लगावे होली में देवर वो सन के पद भौजी भजावे दान। होली में देवर वो सन के पद भौजी भजावे दान। भौजी हो गलिया बगोरे हो रंग वाला गावे ना तोरे हो। भौजी हो गलिया बगोरे हो रंग वाला गावे ना तोरे। जीत जानी ज्यादा करो पहले एक वादा करो। गल नाही मलबा जोर से। गल नाही मलबा जोर
से हो भैया के दनी गौकरिया खत बनी तनी को न मलब जर से तनी को न मलब जर से ओढ़ी के अचरा कर जनी कचरा बजरा अपन हम दनिया वे दना होली में देवर बोसन के पद भौजी भजावे दना होली में देवर बोसन के पद भौजी भजावे दना कबही से चढ़ल बाल राजा नजरिया पो कबही से चढ़ल बाल राजा नजरिया पो हथवा लगा दहतनी हथवा लगा दहतनी हमरो कमरिया पो हथवा लगा दहतनी हमरो कमरिया पो हथवा लगा दहतनी पाइनी की साड़ी तू नवका हो मारे ऊपर जा पिछवा का हो पाइनी की साड़ी तू नवका हो मारे ऊपर जा पिछवा का हो केहू आज मोबाइल डाली सुनी उतनी मन काली फेसियल करवले पानी हो फेसियल करवले पानी हो देवर संस्कारी हई औचियक अपकारी हई बिना रंगले मन न मानी हो बिना रंगले मन न मानी हो हवे गुलाल में नहीं खे बवाल हो लीला दे पखाली तू छुआवे ये दाना होली में देवर भूषण के पद भौजी भजावे दाना होली में देवर भूषण के पद भौजी भजावे दाना का भाई काहे इतना गुस्सा करतानी का कैला से ऊ का करतलस जोन बात के हमरा डर रहे हुए करतलस साफ साफ बताओ भैया बात का कैलस कुंदन नाम के बारूद में चिंगारी डाले के काम के लिए अब एक अंजाम का हुए इस धोनी के अच्छे से जाना डर लगे हमरा यह अनोनी का डर है वैसे हम ओकरा के ड्यूटी पर भेजत रानी लेकिन तू ओकरा के ममता में आकर रोक ले जो हमरा लागल के बस दो चार दिन के बाद बा दो चार अरे पागल तूफान आवे खातिर दू पल काफी होला तार लाडला जो कहले बानू ओकर अंजाम कुछ भी हो सके वीरेंद्र बाबू रहुआ जाए कुंदन के लेके ए जा जाए जा वीरेंद्र जल्दी जा जी भैया छोटी दीदी कुंदन के सामान पैक कर दिया जाए चलो लगनू हाँ तुम मंदिर देने देखा हम बाजार देने देखा हाँ ठीक कुंदन भैया जल्दी घर चले बाबूजी बुलाओ तेरे बड़ा गुस्सा में पानी बाबूजी क्या बड़ा गुस्सा में पानी बाबूजी रवा को बुलाओ तुम्हारे बैठा सन सब लोग जल्दी बैठा
अगले बाबू साहब, तू ने कहा जनत की आज तू जो हरकत कर ले बाड़ा, उसका अंजाम का हुई। इस समय इस सब बात करके ना भैया। ना वीरेंद्र, एकराई नहीं खे मालूम कि एकरी हरकत के सजा एकरा साथे साथे हमनी के पूरा परिवार के भुगते के पड़ी। सजा गुनाह के वाला बाबूजी, हम कोनो गुनाह नहीं की कहिले। रे पागल, रे ते समझत काहे नहीं के? रे गुनाह तोरा नजर में नहीं के, लेकिन उते उराज के। वीरेंद्र बाबू, जितना जल्दी हो सके एकरा कहीं जैसे रफाना कहीं दा, एकरा के रोक के एक गलती अब कहीं चुकल पानी, अब नहीं की चाहत की बात आगे बढ़े। लगता देवराज आ गए। भाई रे, सब के सब भैर हो गए बाड़सन करे। ए फौजी सुनात नहीं खे करे, मर्द का बच्चा हवे तो भार आओ। साला तू जानत नहीं खे, तू का कहिए बाड़े? नंदनी हमरे लल्ला के अमानत है, विधवा हो ओकर, और ते हमार लल्ला के विधवा पर रंग डाले के गुना करे बाड़े। एकर सजा मिले तोरे के फौजी, सजा मिली। चल भारा। कुंदन रुक जा, रुक जा। ना, नहीं कुंदन, तू बाहर नहीं जाइए। ये नेवला। जी भैया। यहाँ तो पूरा सन्नाटा बारे, कोनो बाहर नहीं के आवत। सुन ले रैनी की दुश्मन के ललकार, ना तो कोनो फौजी सुन सकेला, ना ही कोनो ठाकुर। लागत बाग के किशन सिंह के खून में कोनो मिलावट बा, वरना एक थे ठाकुर और ऊपर से फौजी, इतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेला। बाहर निकल ठाकुर, दम बा तो बाहर निकल। कुंदन, ए फौजी, कुंदन नाम हो न तोर। Oh!
बहुत उछल कूद हो गई तो और देवराज के सामने हर गर्दन झुकल रहेला। जॉन तनेला वो धर से अलग हो जाला। देवराज छोड़ दो हमरा बेटा, हम तेरे सामने हाथ छोड़ दे, छोड़ दो हमरा बेटा। एक बार, एक बार, एक बार। छोड़ देती तोरा बेटे के हम, छोड़ देती जैसे ही हमार लल्ला के विधवा पे लाल रंग से रंगले, वैसे हम इनके शरीर के मोर 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 के लाल कर दे, ऐसे ही के आसान मौत देवे के रहते, एक एक ही गोली से मार देती। कुंदन, कुंदन, लारा जो, ना ठाकुर साहब, इनका ही मालूम नहीं कि हम आपके भाई की अमानत है। आपकी नजर में ये अपराधी हो, लेकिन हकीकत में इनका से गलती हो गई बा। अगर इस सब जानने के बाद भी यहाँ से ना गए तो इनका अपराध हो कि एक मौका दे दे इनके रूप में। हमरा बहू पहले बार हमरे से कुछ मांग ले भैया, इनकार के सवाल ही पैदा नहीं किए। ये हमारे गांव जवार से अगर 24 घंटे के अंदर ना गई तर इकर मौत निश्चित बा, समझ ली? चला रे, चला 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 चला। कुंदन बेटा, बेटा, बेटा कब लोग, बेटा, अरे कुंदन पानी ले आओ, कुंदन, 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 बस देख लेने तुहार अन्याय समझ में आ गई कि ये कलयुग में देवराज जैसे राक्षस में तुहार कोनो बस नहीं के, ये धरती पर पापियन के राज रही और तू अपना मंदिर में बैठ के देखत रहा, सब कुछ चुपचाप देखत रहा। कुंदन के देख के लागल कि एक कुहारी विधवा के अंधेरा भरल जिंदगी में वो रोशनी ला सकेला, यही से उम्मीद बंधल, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। ऐसा कोनो बात नहीं की बेटी, कभी कभी इंसान के कुछ समय खातिर चारों ओर के रास्ता बंद हो जाला, ओकरा हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही नजर आवेला, लेकिन भगवान उनकर अंधेरा जिंदगी में रोशनी के ऐसन किरण डाल देवेलन जौन सारा अंधेरा उकर छांट लेवेला। हमरा भगवान पे पूरा भरोसा बा, तू हो भरोसा रखा बेटी, सब ठीक हो जाए, अपन भरोसा मत टूटे दिहा, सब ठीक हो जाए। Hey, 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 hey.
कहाँ मिल बेटा? चाचा, हमारा दिल बोला था कि नंदनी है नहीं कहीं भी है। चलो बेटा, चलो तुम, चलो ट्रेन के टाइम हो गया, ट्रेन छूट जाए बेटा, जल्दी चलो। के तू अपन ना समझलू, नहिया तू बुझलू ना हो, जिहले के केतना दरा दिया, हाल कब पूछलू ना हो। हाँ, हमके तू अपन ना समझलू, नहिया तू बुझलू ना हो, जिहले के केतना दरा दिया, हाल कब पूछलू ना हो। यार दिलदार तू, सोरह सिंगार तू, प्यारे जताई भूला कैसे, तू ता भैला हम जीने के जहान, जी अब भूला कैसे, अब ता हो गईला दिल के मेहमान, जी अब
तुलसी। तुलसी, हम तहरा से एगो बात कहल चाहत बानी। बोला लगनू। हम तहरा से लगन करल चाहत बानी। अरे हिचकियाँ खत्म हो गई। अब हम पूरा गांव वाला के बताएं। सब सर्वा बहुत चिढ़ावत रहे हमरा के। ए लग्न तोहर लगन कब होई? ए लग्न तोहर लगन कब होई? अब हम लगन करके पूरा गांव वालन के दिखा दे कि लगनू के भी लगन हो सकेला। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। I come from QC, I come from QC। दीदी संभाला अपने आप के, सब ठीक हो जाए। ली आई गनी। भाई साहब जी भाभी, कुंदर के ठीक से गाड़ी में बैठा दे लिया ना? जी हाँ भाभी, ठीक से बैठा दे लिया। बैठी ना। बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया। अब कुछ दिन में कुंदन सब कुछ भुला जाए और फिर हमने सही समय देख करके ओकर ब्याह कह दिया जाए। जी ठीक। तू वापस आ गई ले? हाँ माई। काहे? काहे? तोरा के इज्जत के हालात देखी मालूम? अरे तेरे बाबूजी के मालूम पड़े तो गजब हो जाए। पुता, शाबाश बेटा, आज तू साबित कर दला कि तू ठाकुर किशन सिंह का बेटा होगा, असली ठाकुर होगा तू और सच्चा फौजी। इका का था नहीं रहुआ। हम उहे कहता नहीं जौन तू सुन रहा भाड़ू। हमरा अपन बेटा पे गर्व बा। आई उहे करे जा रहा बा जोन हमरा एकरा से उम्मीद बा। लेकिन भैया वीरेंद्र, तू सच्चा ठाकुर है गो फौजी, कबो मैदान छोड़ के ना भागेला। कुंदन बेटा, देवराज के पाप के घड़ा पर चुकल बा। हम तोरा से कह रहल बानी, जा हमरा होखे वाला बहू के लेके आवो और देवराज के पाप के घड़ा फोड़ के आवो। हमारा आशीर्वाद तेरा साले बा। हाँ जाता। खतरा जा।
यह ना कि कुंदन पागल हो गई बा। हाँ हम पागल हैं, लेकिन तोहनी के तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए। एगो गुंडा के तू लोग भागी विधाता बनोले बड़ा जा। तोहनी के सामने एगो लड़की के परिवार बर्बाद हो गई। कहाँ से तोहनी के ओके सजा देवे के चाहिए? तो ओकरा सामने गर्दन झुकोले बड़ा जा। अरे सब देखला के बाद तो हमके शर्म आवत कि हमार जन्म यही गाँव में भइल बा। कुंदन बाबू रुआ देख चुकल बानी कि देवराज कितना खतरनाक आदमी बा। हाँ भैया, बहुत खतरनाक बा। खतरनाक ऊ नहीं, तोहनी के मन में बैठ गइल बा ओकर डर। हमके देख, अरे हमके देख, उसे डरा के भाग ना गई नी, ओके खत्म करे खाती वापस आ गई नी। उठा उठा उठा, जागा जागा, और खड़ा हो चलोगा अत्याचार के खिलाफ के खिलाफ के खिलाफ। कोनो बात ना, मुर्दा के जिंदगी तो हनिये के मुबारक होखे कि हो साथ दे या ना दे, लेकिन ई कुंदन ओ देवराज के अंत करके रहब। देवराज आगे पीछे हटा सके नंदिनी, का कह रहे लेते? याद बाना, अगर ये फौजी ये गांव से ना गई तो रवा मार दे। यहाँ तो कानी ही उल्टा लागता, एकर शिकार तो तू खुद ही कर ले ले। का सोच ले नंदिनी, एकरा के हथियार बना के बदला लेवे हमरा से, ये तो बेवकूफ है। लेकिन तोहरा के तो मालूम रहे ना कि देवराज का चीज है। खैर आज मजा आई, बहुत मजा आई है ना फौजी? कान खोल कर सुन लो गांव जवार के लोगन, कोई भी यहां से ना जाए। ये नेवला। हाँ भैया। भाई के लेके आखिर? जी भैया। दीदी हम आ गए। दीदी दोनों भाई बहन की कहानी भी आज खत्म। नसीब अच्छा बाकी भाग गई ले, नहीं तो यही मंदिर के सामने, यही चौराहा पे, यही सब गांव वालन के बीच तो के जमीन में जिंदा गाड़ देती। आज आप लोगन से वादा बा हमार, आज के बाद कौनो देवराज आप लोगन के ऊपर आंख उठा के ना देखी, हमारे नंदनी के ना देखी देखी, कहे कि आज से फौजी है गांव के रक्षा करी, फौजी गांव के रक्षा करी। आज बड़ा अच्छा लगा था, कहे कि आज तक देवराज के आतंक और अत्याचार के हमने सब सिर झुका के सहत रहनी चाहिए, लेकिन कुंदन के हिम्मत के नतीजा हमने के देख चुकनी। तो हमरा कहे के मतलब कि अब से कौनो भी अत्याचार और मुसीबत के सामना
हमने सब मिल के कहल जाई। हम सब रहुआ साथ बानी। बड़ा शांत बैठल बाड़ा। का भइल देवराज? निकल गेल सारी हेकड़ी, ढीला हो गेल सारा अकड़। पूरा गांव जवार के जिंदगी जिए वाला जोवन खुद के यहाँ के बेताज बादशाह समझत रहे, एक थे मामूली सा लड़का जमीन सुंगा दिलेस। चुप चुप हो जा कावेरी। आतंक के बादशाह के चेहरे पर आतंक का कहत रहला तू? तोहार केहू कुछ ना बिगाड़ पाई। अरे उ फौजी तो तोहार गुरूर तोड़ दिलस। भैया पूरा गांव ला मिलके कुंदन और नंदिनी के ब्याह करे जात बाड़न। अब का करबो देवराज? जॉन नंदिनी के तू अपने लल्ला की विधवा बना के अत्याचार कैला, उ नया जिंदगी शुरू करे जात बिया, समझला? अब तू का करबा? देवराज के रहते ऐसा कुछ नहीं होगी। हम शेर हैं और शेर ही रहम। अब उस फौजी के जिंदगी में वो जलजला आई कि ओकर सब कुछ तबाह हो जाए, समझ ली? चल निकल यहां से, निकल यहां से। कभी अम्मा बापूजी, अब तो हर बेटी अत्याचारी के चंगुल से आजाद हो गई बिया। कुंदन नाम के मसीहा हमरा के बदनसीबी के चंगुल से मुक्त करा दिले बा। हमार ओकरा से बियाह होके जाता, हम फिर से दुल्हन बनम बाबूजी। आज अगर आप लोग भी रहती तो। दीदी दिल छोटा ना करा, जॉन चल गई वो वापस ना सकेला। हम पानी ना तोहर विदाई हम करब, हम तोहर छोटा भाई। अम्मा बाबूजी के आत्मा के खुशी मिली। हाँ दीदी। ऐसे का देखा तारा? देखा तानी वो सपना की जौन कल तक हमरे आंख में रहे, आज हकीकत बन के सामने खड़ा बा। सपना तो हमार सच भइल बा कुंदन। मंदिर में जौन दिन तू हमरा से बियाह की बात कहला, ओहे दिन हम तोहार हो गए नी। तब हमके तनी को यकीन ना रहल कि एक दिन हमार बदनसीबी हार जाई और हमार कुंदन हमके मिल जाई। ओह दिन मंदिर में तू जौन हमसे सवाल कहले रहलू कि तू हमरा बारे में सब कुछ जानला के बाद भी बियाह करब, तो आज हमार जवाब सुनला। कुंदन हमेशा तुहार रही। कबो कबो डर लागेला फिर से हमार खुशी पे कौनो काला साया ना पड़ जाए। हम हर साया के मिटा दे, बस तुहार साथ चाहिए। तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया।
खूब चमका तारानी, रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी। अखियान ठहरे लझन बन ऐसन बन जवानी, रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी। चढ़ल बा लागे सुनहरा बदनिया, लागे लुए जान तूता परियन के रनिया, सोना के पानी चढ़ल बा लागे सुनहरा बदनिया, लागे लुए जान तूता परियन के रनिया। लागत ऐसन कि हम सपना में बनी, रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी। बदन पर तजाली बिछल हो, इका लगे तोहरा सोझा ताज महल हो, बैठे तितली बदन पर तजाली बिछल हो, इका लगे तोहरा सोझा ताज महल हो। बचपन में सुनल लगेलू दादी के कहानी, रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी, रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी। बाबूजी बहुत बढ़िया, अम्मा चाची जी गोर लगा सुहागन रहा। अरे हमारे बिटिया दामाद जी नहीं आई, वो कामे से बाहर गए बारन, आ जाइए हम भी आए तक। चलो 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 अंदर चलो, सब ठीक हो ना चाचा जी? राधा बिटिया, राधा गोर लगा तेरे चाचा जी। भैया भैया तब गरीबा के साथ ही खुश बाड़े ना तू? ना भैया कबो ना सुधरबा। हिनकरा का तो नंदनी भाभी ही सुधार सकेली। हम बहुत खुश पानी भैया कि नंदनी हमार भाभी बने वाला बाड़ी। ए, नंदनी के नाम से ना भौजी कह के बुला। ओहो अब ये सही हाल बा, बाद में लागा था कि लागा था कुछ ना क्या लागा था, बताओ बताओ राधा। ई है कि भैया अब भौजी के कपड़ा धोयन और गोर लगाइना। रुक फिर शुरू हो गेल ई दिनों के। कुंदन भैया हम तो नंदनी भाभी के शॉपिंग अपने पसंद से करब। देख हम तो के अपने साथे लेके ना जाए। कुंदन बेटा तू राधा बिटिया से ना जीत पाइबा। जब नंदनी आ जाइनु तो ननद भौजाई के ताकत दुगना हो जाई। ब्याह के बाद फौजी फौजी के ही चक्कर काटत रहियन। पूछा तनी एके बुलावल हकी। अरे बेटा शादी के शॉपिंग खातिर के चाहिनु उ हम कर ले। हमके तो ले जाए के पड़ी, कोनो जरूरत नहीं के। अरे बेटा पूरा बाजार नेखे खरीदे के, लेकिन ब्याह के खरीदारी बा के उ समझदार आदमी तो चाहिनु। अरे तो समझदार आदमी भेजा पापा।
अच्छा ठीक, हम तोनी भाई बहन के नोक झोक में नहीं पड़े। वीरेंद्र भैया, तू अपना मेहरारू कहीं का साथे लेके जा, तनी राधा के भी मदद हो जाए। जी भैया। का ये भी जाए? राधा नहीं, समझदार राधा का भैया। चाचा चला हमने के चले जाओ। चलिए चलिए चलिए। और तन सामान के मोल भाव ठीक से कर लियो, संभाल के जइयो, लगिन गाड़ी ठीक से चलइयो। ठीक है बाबूजी। हाँ ठीक, राधा आइल बड़ी, कहाँ बड़ी? आवे में देर कह दिल हुआ। अच्छा, अभी अभी बाजारे गईल भी आ जाए। चला चला अंदर चला। अच्छा ठीक बा। किशन देवराज, ना बात और लोना, आज उखड़ा के बताएं के देवराज कहाँ है। पूरा गांव के पता चल चुकल बा कि देवराज अपना आदमी और हथियार के बल पर दिखावा के मर्द बनेला। किशन लगता तोरा जिंदगी से प्यार नहीं खे, समय से पहले अपन मौत मत बुला, समझ ले। नेवला। जी भैया। पूरे घर में ढूंढो पिला के, मिलते ही गोली मार दे उखड़ा के। हाँ भैया। जाओ। देवराज, अंजाम बहुत बुरा हुई। भैया, पूरा घर चार मार ली, कुंदन ना मिलल, लेकिन लल्ला की विधवा मिलल यहाँ। कोनो बात नहीं, आपन महबूबा के बचावे खातिर वो पिल्ला जरूर आई। ले चले के, छोड़ दो के। नंदनी के छोड़ दे, ना तो हमारे बेटा तोर मौत का कारण बनी। Oh, my God!
बोली ना एजी एजी देवराज भैया गाँव इतना सुना सुना कहे लगा था हमरो का यह लगा था भैया सब गांव वाले कहाँ चल गए लन। हाँ कुंदन सब लोग कहाँ चल गए भैया गाड़ी रोको से ये हथियार में जंग लगा था। अब आर या पार अब पूरा गांव जवार में
ठाकुर देवराज सिंह की हवेली रही या पूरा गांव जवान? ले अपना अपना हथियार उठा लाओ। कुंदन अपने माई बाप के लाश जलाओ चल गई भैया। हमरा के तो लागत है वो भाग जाए, लागत है डरा गेलू। अगर शेर दो कदम पीछे हटेला एकरा में ओकर कमजोरी ना होइला बेकूफ, वो पूरा तैयारी से वार करेला। वो फौजी शेर है और अब ज्यादा घातक भी। भैया हमरा तो लागता कि वो हार मान चुकल बा। फौजी हा वो आखिरी सांस तक हार नहीं मानेला नेवला, समझ ले? पूरी तैयारी करा। जी भैया। करा कि हमार लल्ला की आत्मा को शांति मिले, तो हर बाकी के विधवा के जिंदगी वो का टुकड़ा चुना चुहत बीत जाए, समझ ली? देख ये अपने आप के फौजी कहत रहे, सीमा पे लड़े वाले जवान देवराज की हवेली की दहलीज भी नहीं पार कर पाइला, प्यार के चक्कर में बेचारा अनाथ पहले हो गई रहे और अब खुद ब खुद आग में जलकर राख हो गई। अब ये सारे गांव जवार में हमरे सामने फिर से कोई सिर न उठा पाई, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। We'll be right back.
बेवकूफ बनौलस अब न छोड़ मिखला आज तो तोरा अंत बा फौजी
अपने बाप के हर दर्द और अपने माई के हर चीख के एहसास कराई तो ना करे देवराज। बुराई के अंत बुराई से ही होगा। हम कितना बार समझौले रहनी लेकिन रउआ ना समझनी। तक बनाने वाला तू लोग बड़ा जा। राक्षस से ज्यादा तोहनी के कायरता जिम्मेदार बा। अगर तोहनी में एकता और हिम्मत रहित ना ही कोनो देवराज पैदा होइत ना कोनो कुंदन अनाथ होइत और ना ही कोनो फौजी नहीं कोनो घातक घातक घातक। अपने आप को संभाला। कुंदन भैया उठा बेटा, अपने आप को संभाला बेटा।
कुंदन आजादी के 70 साल बाद सही मायने में तोहरा वजह से हमनी के गांव आज आजाद भइल बा। तोहरा के सलूट करे का मन भैया लगनू के लगन हो गई। रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी, रूप धूप में गजबे खूब चमकता रानी। अखियान ठहरे लझनबर ऐसन बन जवानी, रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी। अपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।